हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था संडे को, और ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरे बच्चे लोग के ना एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके साथ बिज़ी थी, तो इसलिए मैं टाइमली एडिट नहीं कर पाई। तो संडे मॉर्निंग मैं एज़ यूजुअल थोड़ा क्लीनिंग कर रही थी ब्रेकफास्ट के बाद, और मैंने जब आपको पहले रूम दिखाया था मेरा ये वाला ना, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये जो स्टिकर है आप ये हटा लीजिए, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको बताया भी शायद कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्टिकर था, मैंने यहाँ के लिए पहले से मंगा के रखा था, पर मैं वो चिपका नहीं पा रही थी शायद थोड़ा टाइम की कमी की वजह से। तो बस मुझे लगा कि आज मैं संडे है, आज मैं ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी हो जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ आई, मैंने स्टिकर निकाला और स्टिकर के साथ साथ ही जो दीवार का पेंट है वो भी निकल गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि नॉर्मली स्टिकर निकल जाते हैं आराम से, और मेरे हस्बैंड भी ट्रिक्स लगा रहे हैं कि किसी तरह ये स्टिकर क्लीन निकल आए, पर बैड लक, पूरा स्टिकर निकालते निकालते जो दीवार है वो पूरा ही मेरा ख़राब हो गया। ऐसा मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, वरना मैं इस चीज़ में हाथ ही नहीं डालती। और ये देखो, मैं ये स्टिकर हटाने की कोशिश कर रही थी, मुझे नया स्टिकर लगाना था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये पेंट है ये स्टिकर के साथ निकल के आ गया है। इनको निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये फर्स्ट टाइम ऐसा, और मेरी दीवार भी पूरी ख़राब हो गई है। अब मुझे इसके लिए स्टिकर नहीं कुछ और सोचना पड़ेगा, शायद वॉलपेपर जैसा कुछ। ये देखिए, पूरा पेंट इसके साथ निकल आया है। तो जो स्टिकर मेरे पास ऑलरेडी था जो मैं रिप्लेस करना चाह रही थी, वो तो एक छोटा सा स्टिकर था, तो उससे तो ये दीवार का जो भी डैमेज है वो छुपने वाला नहीं था। तो शर्मा जी और मैंने फिर डिसाइड किया कि इसको वॉलपेपर से कवर कर देते हैं। तो बस हम लोग फिर वॉलपेपर की शॉप पे चले गए, क्योंकि अगर टाल देते तो फिर टलता ही चला जाता। और ये है वो डी मार्ट जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ मेरी महीने की ग्रॉसरी। तो आप में से बहुत लोग शायद वॉलपेपर यूज़ करते होंगे, पर मेरे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी भी वॉलपेपर नहीं अपने घर में इस्तेमाल किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस वाली जो बात होती है वो नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कैसा रहेगा। तो ये वो शॉप है जहाँ मैं फिर फाइनली आ गई, और एक वॉलपेपर के लिए मैंने ऑर्डर दिया, और उस भैया ने बोला कि वो उसको बंदे को वॉलपेपर के साथ भेज देंगे, तो शाम का उन्होंने टाइम दिया। तो इस वक्त तक इतनी भूख लगने लगी थी, मेरा लंच, एक स्पेशल लंच आज के लिए बनाने का प्रोग्राम था, पर क्योंकि ऐसा ये हो गया इंसिडेंट, इसकी वजह से मेरा पूरा ही टाइम जो है वो बेकार हो गया, मैं बिल्कुल किचन में टाइम नहीं दे पाई। तो हम आए थे यहाँ चॉकलेट रूम, आज दोपहर का लंच हम लोगों ने यहीं किया। बच्चे लोग तो बहुत खुश हो गए हैं कि उनको घर का खाना नहीं, आज चॉकलेट्स मिल रहे हैं लंच में। और चॉकलेट रूम अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, रीज़नेबल भी है, और बहुत ही अच्छा उनका डिज़र्ट है। डिज़र्ट नहीं, वहाँ लंच वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन इनके चॉकलेट आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अनप्लान्ड सरप्राइज़ वीकेंड लंच हमारा हो गया। तो थोड़ी ही देर में वो शॉप से भी फ़ोन आ गया कि वो बंदे को भेज रहे हैं लगाने के लिए। और कभी कभी आप प्लान कुछ और कीजिए और असलियत में कुछ और ही आपके लिए वेट कर रहा होता है, जैसे कि मेरा संडे, मैंने सोचा कुछ और था और मेरा पूरा संडे ऐसे सब कामों में चला गया जो मैंने कहीं से कहीं तक भी प्लान नहीं किए थे। बाय द वे, ये क्लिप जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने ये भैया का परमिशन ले लिया था। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अनजान लोगों के चेहरे क्यों दिखाती हूँ, तो मैं विदाउट परमिशन कभी नहीं करती हूँ, इतना सेंसिबिलिटी है मुझे। तो ही वॉज़ कम्प्लीटली ओके, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर आपको दिखाने के लिए ये क्लिप रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बिल्कुल मेरी तरह होंगे, जिनके लिए वॉलपेपर का एक्सपीरियंस एकदम बिल्कुल नया होगा।
तो इस तरह से ये दो भैया लोग आए थे और उन्होंने पूरा मेरा वॉल पहले क्लीन कर दिया और अपने साथ ही ये वॉलपेपर लेकर आए थे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी ये सिलेक्शन भी मैंने ही किया था और इसके लिए मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी थी, तो उसके बाद ही अपने साथ लेते आए थे। बिकॉज़ कितना भी हम अच्छा मैथ समझते हों पर ये हमारी ये जो कैलकुलेशन होती है ये हमारी यू नो इंटेलिजेंस के परे होती है कि कितना पेपर लग जाएगा, वो अच्छी तरह से सिर्फ वो ही जानता है जिसका काम होता है। तो मुझे पता तो था कि मेरे रूम में ब्राउन और यू नो लाइलैक कर्टन्स हैं तो ये उस पर अच्छा लगेगा, पर इतना अच्छा मर्ज हो जाएगा ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं एक अच्छा पैटर्न वाला वॉलपेपर चाहती थी, पर देन मुझे शॉपकीपर ने ही बोला कि आप इतने छोटे एरिया में लगा रहे हो तो फिर जो पैटर्न वाला वॉलपेपर होता है वो ना लें, इस तरह का लेना चाहिए प्रिंटेड। और मुझे लगता है ही वॉज राइट, क्योंकि अगर मैं पैटर्न वाला लेती तो शायद वेस्टेज ज़्यादा होती और उसमें शायद मेरा कॉस्ट भी बढ़ जाता। बाय द वे ये मुझे 2000 का पड़ा है, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन बच भी गया है। ये है फाइनल लुक ऑफ द रूम, जो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, काफ़ी क्लीन। तो जो मैंने आज लंच में बनाना था वो अब बेसिकली मैं बना रही हूँ डिनर में। तो मैं आज डिनर में बना रही हूँ चाइनीज़ प्लेटर। तो मेरी फैमिली चाइनीज़ की बहुत फॉन्ड है, मुझे भी चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो चाइनीज़ बेसिकली चाइनीज़ नहीं होता है, वो देसी चाइनीज़ होता है। तो फ्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये मैंने बासमती चावल सोक कर दिए थे और कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल और घी का कॉम्बिनेशन में नमक डाल के जो चावल है उनको पकने के लिए रखा है। जीरा नहीं डाला है और ना ही मैं ये चावल उबाल रही हूँ, मैं सीधे घी में इनको पका रही हूँ। तो जब तक चावल पकेंगे मैं यहाँ पे पनीर कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में बना रही हूँ चिली पनीर ग्रेवी। तो जो फ्राइड राइस वगैरह होते हैं ना, उसके लिए आपको जो राइस कुक करना होता है वो कंप्लीट कुक नहीं करना होता है, आप समझिए 75-80%, यानी उसमें थोड़ा सा ना एक फील आना चाहिए कि उसका बॉडी इंटैक्ट है, एकदम सॉफ्ट कुक नहीं है वो राइस। तो ऐसा राइस आप लेंगे तो वो अच्छे से आप मिक्स कर पाओगे, वरना वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे बाद में जब आप उसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं पनीर काट लिया है मैंने, आप काट सकते हैं आपकी मर्जी के साइजेस में, बहुत छोटे मत काटिएगा। तो चिली पनीर में डालने के लिए मैं ये हरी मिर्चें भी काट रही हूँ, और देखिए मैं किस तरह हाइटेड काट रही हूँ, थोड़ा स्लैंटिंग वे में। इसी तरह की मिर्चें अच्छी लगती हैं चिली पनीर में, वो छोटे छोटे या बहुत लंबे लंबे पीसेस नहीं अच्छे लगते हैं। तो फाइनली हम करेंगे मैरिनेट इस पनीर को। तो इस मैंने जो पनीर है इसको ले लिया एक बोल में, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। कुछ लोग आधा कॉर्नफ्लावर और आधा मैदा डालते हैं, मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है इसको सीधे डस्ट करूँगी, ये मैंने नमक ऐड किया है। तो मैं आपको बता रही थी मैं इसे डस्ट करूँगी अच्छी तरह से। कुछ लोग ना इसका एक लेप बैटर जैसा बना लेते हैं और फिर उसमें से डिप करके फिर निकालते हैं, और फिर बाद में जब ग्रेवी में बनाते हैं तो उसकी जो वो कवरिंग होती है ना मैदा की, वो अलग अलग निकल जाती है और इट लुक्स नॉट सो गुड। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो इस तरह से डस्ट करने से एक अच्छी कोटिंग भी आ जाती है पनीर के ऊपर, और वो फिर उस तरह जब आप पानी में उसे कुक करते हैं तो वो अपनी स्किन नहीं छोड़ता है। तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक किचन टावल के ऊपर, जिससे कि एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर रिमूव हो जाए, इससे जो तेल है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा फिर। तो मैरिनेट करने में मैंने सिर्फ लिया था नमक और कॉर्नफ्लावर, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर प्लस मैदा, जिंजर गार्लिक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जो चाहे वो सब डाल सकते हैं, मैं मेरे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। तो अभी ये सारे पीसेस को मैं तेल में फ्राई कर लूँगी, और तेल थोड़ा सा गर्म ही रखिएगा क्योंकि पनीर को हमने कुक नहीं करना है, अच्छा सा बस एक कलर देना है। तो आप ज़्यादा देर इसको ऑयल में रखेंगे यानी कि स्लो आंच पर, तो पनीर एकदम चूई हो जाएगा, तो इसलिए फास्ट फ्लेम पे इसे आप पका लीजिए, 1-2 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो बिल्कुल भी इस पे कॉर्न स्टार्च या मैदा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसे फ्राई कर सकते हो, कुछ लोग इस तरह से भी प्रेफर करते हैं। तो 2 बैचेस में मैंने ये पूरा का पूरा जो पनीर है उसको फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ शेज़वान फ्राइड राइस की। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल में जो स्प्रिंग अनियन होता है उसका वाइट पार्ट डाला है मैंने,
तो थोड़ा सा रोस्ट करना है और ये छोटे छोटे पीसेस में काट के मैंने गाजर रखी हुई थी तो ये डाल रही हूँ मैं। अभी रेड कैरेट्स अच्छे मिल रहे हैं इसलिए वही डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऑरेंज वाले ले सकते हो। साथ ही साथ एक ग्रीन कैप्सिकम भी मैंने काट लिया था। तो चाइनीज़ में कभी भी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता वरना उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो जिंजर गार्लिक डालना मैं भूल गई इसलिए मैं अभी तेल सेपरेट करके उधर उसको भून रही हूँ। आप प्याज से पहले जिंजर गार्लिक डाल लीजिएगा। तो ये जिंजर भी चॉप्ड होनी चाहिए और गार्लिक भी चॉप्ड होनी चाहिए पर मेरे बच्चों को नहीं वैसा अच्छा लगता है इसलिए मैंने गार्लिक को थोड़ा सा कूट लिया है और जिंजर को थोड़ा मोटा ही रखा है जिससे वो मुँह में ना आए, क्योंकि सानवी खुशी को बिल्कुल भी जिंजर मुँह में आए तो पसंद नहीं है। तो बस अभी ये सारी सब्ज़ी मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी, बिल्कुल ओवर कुक नहीं करिएगा। और सब्जियों का क्रंच चाइनीज़ फूड की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ ले रही हूँ चिंग्स का शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, तो रेडीमेड मसाले से ही मैं बना रही हूँ। काफ़ी कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है और टेस्ट भी अच्छा है, आप मतलब पसंद करेंगे वैसा टेस्ट है इसका। तो 2 चम्मच मैंने ये मसाला ले लिया है, डायरेक्ट सब्जियों के ऊपर मैं डाल रही हूँ, इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसे मैं थोड़ा सा सब्जियों के साथ इस वक्त भून लूँगी, बस 30 सेकेंड टू 1 मिनट, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। रेडी टू यूज़ मसाला होता है ये, और ये है वो राइस जो मैंने पहले से कुक कर लिए थे। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन, एक बड़ा वाला स्प्रिंग अनियन लिया था मैंने, बल्ब 2 लिए थे लेकिन जो ग्रीन्स है वो एक ही अनियन का है। तो स्पैचुला से अपसाइड डाउन करते हुए ये राइस वेजिटेबल्स में आपको फोल्ड करना है, बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा स्पैचुला वरना जो राइस के ग्रेन्स हैं वो टूट जाएंगे और ये शेज़वान खिचड़ी भी बन सकती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कि ग्रेन्स ना टूटें अपसाइड डाउन करते हुए हल्के हाथ से आप इसे फोल्ड कर लें। और जब तक भी सफ़ेद राइस दिख रहे हैं तब तक धीरे धीरे इसको फोल्ड करते रहिए। तो मेरा जो मसाला है वो राइस में इवेंचुअली अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये फ्राइड राइस हो चुका है तैयार। तो अब मैं बना रही हूँ चिली पनीर। मैं ले रही हूँ अगेन पनीर चिली मसाला फ्रॉम चिंग्स, रेडीमेड मसाला है ये और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और ये इस तरह से कटे हुए प्याज मैं ले रही हूँ। एक प्याज को पहले 4 क्वार्टर में कीजिए और फिर एक एक करके उसकी जो स्किन है वो पील कर लीजिए। और ये पेस्ट किया हुआ गार्लिक है, चॉप्ड गार्लिक आप ले सकते हो पर जैसा मैंने बताया मेरे बच्चों को ऐसा ही पसंद है। और थोड़ा मोटा कटा हुआ मैंने जिंजर लिया है। अब ये तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि इन तीनों में एक थोड़ा सा रॉ अरोमा होती है जो सबको नहीं भाता है। यहाँ मैंने डाल दी हैं कटी हुई हरी मिर्चें भी और ये है 1 कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी बड़ी शिमला मिर्च थी ये। तो बस अब इन सब सब्जियों को मैं थोड़ी सी देर पका लूँगी, इनको भी कंप्लीट कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए। ये है स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन भी नहीं और बल्ब भी नहीं, वो बीच में एक वाइट पार्ट होता है वो मैंने अभी डाल दिया है, ग्रीन्स मैं बाद में ऐड करूँगी। तो बस इसे थोड़ा सा सौते करना है, बस एक वो इसकी क्रंच भी मेंटेन रहे और थोड़ा सा जो रॉ है वो टेस्ट चला जाए। और ये है वो सैशे, पूरा का पूरा सैशे मैंने एक बड़ी कटोरी पानी में मिला लिया था। और ये डालने के बाद आपको कोई भी और इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एज इन कोई भी और दूसरी सॉस वगैरह आपको नहीं डालना। बस मैं थोड़ा सा घर का गर्म मसाला डाल रही हूँ क्योंकि ये देसी चाइनीज़ है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है गर्म मसाला इसमें। और ऐड किया है मैंने पहले से फ्राइड पनीर। और अगर आपको चिली पनीर का ड्राई वर्जन पसंद है जो स्टार्टर में हम यूज़ करते हैं तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। ग्रीन अनियंस मैंने ऐड किए हैं, स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, बस आपका ये रेडी है अगर आपको ड्राई वर्जन चाहिए। लेकिन चूंकि मैं इसे पेयर कर रही हूँ फ्राइड राइस के साथ तो मैं इसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप ये मसाला पहली बार यूज़ करें तो ये काफ़ी माइल्ड वर्जन मैंने बनाया है, आपको इसमें शायद थोड़ी और चिलीज़ की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो बस एक बॉईल आ गया है और ये जो मेरा चिली पनीर है ये भी रेडी है। और आप देखिए पनीर के पीसेस कैसे इंटैक्ट हैं, इसका वो जो ऊपर का जो स्किन है वो नहीं निकल आया है पानी में, बस इसीलिए मैंने मैदा के घोल में इसको नहीं डाला था वरना वो जो ऊपर की कवरिंग होती है वो अलग सी पड़ी रहती है और वो बहुत ही अजीब सी लगती है, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल माइल्डली कोट किया था कॉर्नफ्लावर में। तो यहाँ पर चिली पनीर भी रेडी हो गया है,
तो बस मेरा डिनर आज का तैयार है और डिनर में चाइनीज़ प्लेटर में मैंने बनाया है ये शेज़वान फ्राइड राइस और आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये अच्छा बना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था पर ये देखने में भी आपको मतलब यू कैन गेस इजीली क्योंकि कितने खुले खुले चावल हैं। बहुत अच्छा बना था, एकदम राइट टेक्सचर फ्राइड राइस का। और ये है चिली पनीर। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये रेसिपीज़ काफ़ी इजी हैं और आपके बच्चों को सच में पसंद आने वाली हैं। मेरे तो हस्बैंड को भी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने मुझसे दोबारा मांगा, हालांकि वो एक सर्व के बाद दोबारा कभी नहीं मांगते हैं, पर उनको बहुत अच्छा लगा था। और बस मूड हो गया है चाय पीने का, तो शर्मा जी और मेरे लिए मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो मैं पॉपकॉर्न वो जो पैकेट आता है ना रेडीमेड एक्ट टू वो भी लाती हूँ, पर कभी कभी आपने शायद फील किया होगा रखे रखे उसका जो बटर है वो एक ऑफुल सी स्मेल देने लगता है, तो इसलिए मैं घर में ही फ्रेश बटर से इस तरह से कॉर्न ला के बना लेती हूँ। और ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं और टेस्टी तो होते ही हैं। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।